Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जम्मू कश्मीर में चुनावों के बीच आतंकियों की हलचल तेज हुई तो भारतीय सुरक्षा बलों की तैयारी भी शुरू हो गई। खुफिया एजेंसी काम पर लग गई। आतंकियों को ठिकाना लगाने के लिए बड़ा घेरा तैयार किया गया। और ऐसा सिर्फ भारत का इंटेलिजेंस नहीं मान रहा कि आतंकवादी संगठन इस समय जम्मू कश्मीर में एक्टिव हो गए हैं, बल्कि एक और ऐसा संगठन जो पाकिस्तान को आतंकवाद पर हर बार एक्सपोज करता है, उसने भी इस बात को माना कि भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारत पर बड़े आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खासकर ISIS और अलकायदा के आतंकी फिर एक बार भारत में हमले की फिराक में है। दरअसल FATF की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि कैसे अलकायदा और ISIS इस समय जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने में लग चुके हैं। टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग पर पहली नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बड़ी बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सामने सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा ISIS या अलकायदा से जुड़े समूहों से है। ऐसे बहुत से छोटे बड़े आतंकी संगठन इस समय जम्मू कश्मीर में तैयार हो रहे हैं, जिनका लिंक ISIS और अलकायदा से है। FATF ने रिपोर्ट को पब्लिक किया। रिपोर्ट में पूर्वोत्तर और उत्तर भारत में सक्रिय आतंकी संगठनों के साथ ही नक्सलियों की ओर से सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिशों में लगे आतंकी संगठनों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। FATF ने 368 पेजों की एक पूरी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में भारत के आतंकवाद और उग्रवाद पर विस्तार से जिक्र किया गया। रिपोर्ट में मणिपुर की हाल स्थिति की बात हुई, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का भी जिक्र हुआ। FATF ने कहा कि साल 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से भारत लगातार आतंकियों के प्रभाव से पीड़ित रहा है। बता दें, इस समय भारतीय सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पर अपने स्तर पर ऑपरेशन को चलाए हुए हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पिछले कई सालों से भारतीय सुरक्षा बलों के अभियानों में बहुत तेजी आई है। यह अभियान फिर जारी है, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, तो ऐसे समय में FATF की रिपोर्ट ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त आतंकी हमले हुए, जिसके बाद शक अब और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।